दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ के कुछ जानी मानी अभिनेत्रियों के पतियों के बारे में। वैसे तो आपको बता दें, साउथ की ज्यादातर ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो कि अभी तक सिंगल ही हैं और पूरा समय अपने करियर पर ही फोकस करती हैं, तो वहीं कुछ अभिनेत्रियां शादी करके सेटल हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया हो, क्योंकि इन अभिनेत्रियों ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा और आज भी कई सुपरहिट फिल्में दे रही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राधिका पंडित के बारे में, जो कि मुख्य रूप से कन्नड़ा भाषा की अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, इन्होंने सन 2016 में साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर अभिनेता यश से विवाह किया, जिससे आज ये दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, जिस शादी से इनके दो बच्चे भी हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं काजल अग्रवाल के बारे में, जो कि आज तमिल और तेलुगु फिल्मों से वो नाम कमा चुकी हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए काजल अग्रवाल साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। और ऐसे समय पर शायद ही कोई अभिनेत्री शादी का निर्णय लेती, लेकिन काजल अग्रवाल ने सन 2020 में गौतम किचलू से शादी करके सबको चौंका दिया और आज काजल अग्रवाल हैप्पी मैरिड लाइफ व्यतीत कर रही हैं। आपको बता दें, इनकी आने वाली फिल्मों में सिनामिका, आचार्या, इंडियन 2 और पेरिस पेरिस जैसी फिल्में शामिल हैं, जो कि हम सबको जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं श्रिया शरण के बारे में, जो कि आज साउथ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने खास तौर से तेलुगु फिल्मों में काम किया है। लेकिन इसके अलावा ये कुछ मलयालम, तमिल और कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें, इन्होंने साल 2018 में आंद्रेई कोसचिव से शादी की, जिससे आज ये अपने पति के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि आए दिन ये अपने इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ मस्ती भरे वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती हैं। अगर आपने श्रिया शरण को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा होगा तो आपने इनके वीडियोज को जरूर देखा होगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ज्योतिका के बारे में, जो कि खास तौर से तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने तमिल सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। अभिनेत्री ज्योतिका भी आज दो बच्चों की मां बन चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने साउथ के सुपरस्टार सूर्या से सन 2006 में शादी की थी, लेकिन इन्होंने फिल्मों में काम करना कभी भी नहीं छोड़ा और आज भी अपने अभिनय करियर को लेकर सक्रिय हैं। दोस्तों, तमिल और तेलुगु भाषाओं की फिल्मों में समान रूप से काम करने वाली अभिनेत्री समांथा अक्किनेनी आज लगभग हर साउथ इंडियन फिल्मों को पसंद करने वालों की पहली पसंद हैं। आपको बता दें, इन्होंने साल 2017 में तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागा चैतन्य से शादी की, जिससे आज ये परिवार के साथ खुश हैं और लगातार फिल्मों में भी सक्रिय हैं। इनकी आने वाली फिल्मों में काथू बकुला, रेंधु कादली और शाकुंतलम जैसी फिल्में शामिल हैं। आइए अब जानते हैं अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा के बारे में, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में शानदार काम किया है। इन्होंने साल 2012 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख से शादी की, जिससे आज दो बच्चों की मां भी बन चुकी हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, तो अभिनेत्री जेनेलिया और इनके पति रितेश देशमुख के कई टिकटॉक वीडियोज वायरल हुए थे, जिसमें इन दोनों के बीच प्रेम साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी शादी आज कितनी सक्सेस है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बात करते हैं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री प्रीडिता सुभाष के बारे में, जिन्होंने हिंदी के सिर्फ दो ही फिल्मों में काम किया है, एक तो हंगामा 2 और दूसरी भुज, जो कि अभी जल्द ही 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, इन्होंने अभी जल्द ही यानी कि सन 2021 में नितिन राजू से शादी की। तो दोस्तों, ये थी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्रियाँ, जो कि आज शादी करके सेटल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी अपने करियर को लेकर लगातार सक्रिय हैं और बेहतरीन फिल्में देती रहती हैं। वैसे अक्सर देखा जाता है हमारी हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियाँ शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन ये रूल साउथ की अभिनेत्रियों के साथ थोड़ा अलग है। वो शादी के बाद भी ज्यादातर फोकस अपना करियर पर ही करती हैं। वैसे आपकी इन सभी अभिनेत्रियों में से फेवरेट हीरोइन कौन सी है, ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तथा साउथ और बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।